हवाले के तौर पर फरीकैन की मुत्तफिका कुतुब की फहरिस्त नाज़रीन की खिदमत में पेश की जा रही है। तारीख तबरी, मोहम्मद इब्न जरीर तबरी, मुरूज ज़हब, अली इब्न हुसैन मसऊदी, मगातिल तालिबीन, अबुल फरज इस्फहानी, इमाम अली इब्न अबी तालिब, अब्दुल फत्ताह अब्दुल मकसूद, अल कामिल फि तारीख, अली इब्न मोहम्मद इब्न असीर, नासिख तवारीख, अब्बास खुली सपेर, शरह नहज अलबलागे, इब्न अबी अलहदीद मुतज़िली, नक्श आयशे दर इस्लाम, मुर्तज़ा अस्करी, सहीह मुस्लिम, सहीह बुखारी, अलगदीर अमीनी, अलवगाय वलहवादिस मलबूबी, अमाली शेख तूसी, एहतजाजात तबरसी, मनाकिब इब्न शहराशूब, उस्तुलगाबा अली इब्न मोहम्मद इब्न असीर, तारीख इस्लाम अस्सियासी हसन इब्राहिम हसन, बिहारुल अनवार मजलिसी, मुंतखब तवारीख खुरासानी, तारीख याकूबी अहमद इब्न इसहाक याकूबी, तारीख तमद्दुन इस्लामी जॉर्जी ज़ेदान, सीरे इब्न हिशाम, तबगातुल कुब्रा मोहम्मद इब्न सअद, मुसनद अहमद इब्न हनबल, मुस्तदरक मोहम्मद फुआद अब्दुल बागी, अखबार उत्तवाल अबू हनीफे दीनवरी, रोज़त उस्सफा मीरखुंद बलखी و معجم البلدان یاقوت حموی. ہم ہتھیار ڈال دیں؟ کیسی بات کرتے ہو مالک؟ ہم جنگ چاہتے ہیں یا ولید؟ کون آئے دن بہانے بنا کر چھیڑ چھاڑ کرتا ہے؟ اور ہم نے کب دینار کی خونخواہی کی بات کی ہے؟ قوم ازد نے کند اور دوسرے قبیلوں کے ساتھ کب دشمنی کی ہے جو آج اشد سے کندی اور دوسرے قبیلے کے لوگ ہمارے خلاف سفارائی کر رہے ہیں؟ ولید کو تم بہانے کا موقع دے رہے ہو، قوم اسد نے تمہارے ساتھ اعلان اتحاد کیوں کیا؟ یہ تمہارا اتحاد کا اعلان جنگ نہیں ہے۔ مالک، قوم اسد کے ساتھ ہماری پرانی دوستی ہے۔ قوم اسد نے قوم اسد کا ساتھ اس لیے دیا کہ ولیدی یہ نہ سمجھیں کہ قوم اسد بے کس و تنہا ہے۔ اس دربدری سے ہم بھی خوش نہیں ہیں۔ کوفے میں ہماری زراعت بے سرپرست ہے اور ہمارے اہل و عیال پریشان۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ دشمنی جلد ختم ہو، مگر کیا ضمانت ہے کہ ولید ہمارے ساتھ دوبارہ دشمنی نہیں کرے گا؟ کیا ضمانت اپنی طاقت سے بڑھ کر؟ دیکھا اگر ولید نے شرارت کی تو دوبارہ کھڑے ہو جانا، اس وقت ہم بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ کیا فرق پڑتا ہے مالک؟ تمہیں ولید کی شرارتوں پر شک ہے؟ ہم نے اس کی شرارتوں کے خلاف قیام کیا ہے، اگر دوبارہ قیام کرنا ہو تو آج بیٹھنا کیسا؟ صلح کر کے کوفے والوں کو یہ ثبوت دو کہ تم جنگ نہیں چاہتے۔ ولید نے سارے کوفے کو تو نہیں خرید لیا؟ مالک، تم کوفے کے خیر خواہ، لیکن کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے ولید ہماری جڑوں کو اکھاڑ پھینکے۔ تم سمجھدار ہو ابو مبرہ، چاہتے ہو کہ ولید لاشوں کے ڈھیر لگا دے۔ تم سے جنگ کرنے کے لیے اس نے کفار کی فوج نہیں منگائی، کوفیوں میں خانہ جنگی ہوگی، بھائی بھائی پر تلوار اٹھائے گا۔ اپنی شجاعت کا تم نے ثبوت دے دیا، اب صلح کر کے اپنی دیانت کو بھی ثابت کر دو جس طرح شیخ کوفہ نے دیا ہے۔ کافی تھا اگر شیخ جہاد کا فتویٰ دے دیتے،
खुदा की कसम हमारी कौम नक्शा बदल देती। तुम तो ये नहीं चाहते कि कूफे की दुल्हनों के सुहाग उजड़ जाएं, या चाहते हो? हमें मोहलत चाहिए मालिक, हम इस पर गौर करेंगे। गौर करो, अच्छी तरह गौर करो। तुम जाने और तुम्हारा खुदा, मैं सुलह की उम्मीद रखता हूं। वलीद कूफे के सरदारों से गुफ्तगू करने वाला है, यकीनन खलीफा के जाली फतवे की आड़ में तुमसे जंग करना चाहता है। उसकी साजिशों को नाकाम बना दो। खुदा हाफिज हो तुम्हारा। हमारे और वलीद के दरमियान गुफ्तगू में तुम भी शरीक होगे? हाँ, आखिर कोई तो हो जो उसके खिलाफ आवाज उठाए। कूफे की जमातों में आप भी तन्हा रह गए। तुम मुझे तन्हा ना छोड़ो। जुन्दब भी अली के पास रह गए। वो जब कूफे में थे तो मैं तन्हा नहीं था। असदियों ने अजदियों के साथ ऐलान इत्तेहाद किया या नहीं? उनके साथ हमारी जंग आपस में मुसलमानों की जंग है। कबूल। मालिक, तुम जो इतना सुलह पर जोर दे रहे हो, बताओ मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? अगर इसी तरह जिस कौम का जी चाहे बगावत करे, अपना घर बार ज़रार छोड़ छाड़ कर कूफे के रास्तों में दहशत फैलाए और किसी के न सुने, तो क्या हशर होगा? जंगल राज हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही शेवा जो दौर जाहिलियत में था। जिस कबीले के पास ज्यादा मालो सरवत और शमशीर जन होंगे, वो अपनी मनवाना चाहेगा। मालिक, मुझे जवाब दो। हाँ, ये असदी और असदी कबीले आखिर कब तक चूहा और बिल्ली का खेल रचाएंगे? हाँ, आखिर कब तक? जब उनके खाने पीने का अंबार खत्म हो जाएगा तो बौखला कर भेड़ियों की तरह कूफे पर हमला कर देंगे। कूफियों की जान माल और इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। कल इसका धुआं अगर आंखों में गया तो शिकायत न करना। आज कह लो जंग मसलहत नहीं है, लेकिन कल तुम्हें उन दोनों कौमों के हमलों का मुकाबला खुद करना पड़ेगा। खुद जानो, मैं इसरार जंग नहीं करूंगा, मगर एक जौ के दाने से भी उनकी मदद करना हराम समझता हूं, हराम। मालिक, यज़दी क्या चाहते हैं? कुछ नहीं। फिर ये लोग झगड़ा क्यों खत्म नहीं करते? अमीर के सामने तस्लीम क्यों नहीं होते? वो हथियार डालने से डरते हैं। आखिर क्यों डरते हैं? उन्हें वलीद पर एतमाद नहीं है। एतमाद नहीं है, ये तौहीन नहीं तो क्या है? चलो, मैं अपनी बात नहीं करता, खलीफा पर भी एतमाद नहीं। तुमने खुले आम अज़ियों को वादा दिया था जो वफा नहीं किया। जुन्दब को रात के अंधेरे में बुलवाकर और भी बदगुमान कर दिया। उनका कहना है कि तुम उसको कत्ल करना चाहते थे। वो गलत कहते हैं मालिक, गलत कहते हैं। उन्हें इल्मे गैब हो गया था। वो इस तरह मेरी शख्सियत को बिगाड़ना चाहते हैं। उनके झूठे होने पर तुम्हारे पास क्या दलील है? ओ मालिक, जब हुआ ही कुछ नहीं तो दलील कैसी? तुम गुफ्तगू करने आए हो या मेरा मुहाकिमा? कैसी बकवास कर रहे हो? साफ साफ कह दो कि अजदियों के साथ मिले हुए हो। मैं अमीर कूफा नहीं बना हूं कि डर के चूहे की तरह बिल में घुस जाऊं। ये कैसे मुसलमान हैं जो कबीले के जोर पर अपने अमीर को आंखें दिखाते? अगर खुदा का खौफ ना होता तो साबित करता कि कुरैश आज भी इराकी शिकस्त नापज़ीर कौम है। ना करो मेरे बाप, ना करो।
इतने खून जो दौरे जाहिलियत में बहे हैं इसलिए कि अरब इंसान बन जाए। الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد له لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته तीन रकत पड़ी थी या चार नहीं देखा नहीं देखा मैं खुद अपनी शक्कियात में मशगूल हूँ भला है तेरी शक्कियात अब क्या सोच रही हो तुम मुझे शक है कि मैं डरूं या ना डरूं किससे डरने की और ना डरने की बात कर रही हो तुम बता दूं सुन सकोगे नहीं बताकर दिल तोड़ देती है उठ भी जा मुझे टोकरी ला दे शक करती हूँ कि मैं खुदा से डरूं या ना डरूं लो कैसी नस्ल पैदा हुई ये कौन सा लुकमा हराम मैंने खाया कौन सा गुनाह कबीरा मुझसे हुआ जो ऐसी नाखलफ औलाद मुझे मिली है काश कि तू पैदा ही ना होती खेल खेल में मैंने अपने दिल की बात बता दी मैं ना खलफ ना कारा सही मगर हूं साफ अब आप अपनी शक्कियात का बताओ तमाम कूफे वालों ने वलीद के दर पर सर झुका दिया है लेकिन आप हैं जो गैर खुदा की इबादत को हराम जानते हैं बता दूं क्यों कि चार रकत के बजाय तीन रकत पढ़ी आपने इसलिए कि आपकी तवज्जो खुदा की तरफ नहीं थी आप इस सोच में थे कि आपके मरने के बाद आपकी बेटी का असीर होना बेहतर है या आप जिंदा रह जाएं और आपकी बेटी हो जाए अमीर
उत्तम, अगर वलीद से तुम्हारी शादी पर राजी हो जाऊं तो तुम अपनी कुफ्रामेज जबान को बंद कर लोगी? लो, बंद कर लिया। अल्लाह अकबर। वरदान, तुम्हारा अमीर तुम्हारा रकीब है। अगर कुतान से शादी करना चाहते हो तो वलीद को पहले खत्म करना होगा। सात सरों वाले अजदहा की मिसाल है, एक को कुछ लो तो दो सर निकल आते हैं। काश मिस्र ही चले जाते, वहां मुतल्ला की शीशियों की तिजारत कर लेते। परेशानी क्या है? कूफा तो तुम्हारे हाथ में है वलीद। मेरे हाथ में तो ये जाम है जो लरज रहा है। मुझे शेख की जड़ों को भी उखाड़ देना चाहिए था। मालिक अश्तर दूसरा शेख है, देखा नहीं? असल में वाली कूफा मालिक अश्तर है, न वलीद इब्न उबा। कौम अस्द असद उसके एक इशारे पर सुलह करने पर तैयार हो गए। मालिक शेख से कवि तो नहीं? शेख के पास सिर्फ जबान थी, मालिक के पास जबान और तलवार दोनों है। बड़ा खतरनाक आदमी है शायर, बड़ा ही खतरनाक। शेख के पीछे तो चुपचाप रहता था, हमेशा उनके साथ साथ। ये अली वालों की खास पहचान है, जब ये चुप रहते हैं तो दिखने में नहीं आते, और जब इन्हें झटका लगता है तो ये लोग तूफान बन जाते हैं। कहीं तुम तो शराब नहीं पी बैठे? क्यों नहीं? लेकिन दाया तो दो दो नजर आ रही है। अपने बदबूदार मुंह का क्या करोगे? दाई जान, अबू जुबैद मेरा हम प्याला है। दाई जान, वरदान के साथ चली जाओ। वरदान? उस भूत जैसी ड्रावनी शक्ल को लेकर? मैं शादी का पैगाम लेकर जा रही हूँ या दुल्हन वालों की रूह कब्ज करने? फिर कल जाऊंगी। नहीं, अभी चली जाना। मैं देख रही हूँ तुम कितने बेचैन हो, बेकरार हो। कहो तो आज ही दुल्हन ले आऊं। अगर कर सकती हो तो क्या कहने। तुमने 40 दिन मुझे पट्टी पढ़ाया और इंतजार करवाया। जल्दी करो, कहीं मालिक अश्तर ये भी बना बनाया खेल न बिगाड़ दे। आज भी मैं अपना इलाज शराब ही से कर लूंगा। तोहफा क्या ले जा रही हो? ये हार। नहीं दाई जान, ये नहीं। नहीं, कर मुकद्दस आदमी है, हार को देखते ही हम सबको काफिर बना देगा। कोई मुतबर्रिक तोहफा ले जाओ। ये मुतबर्रिक तोहफा कौन सी बला है? तुम ही समझाना अबू ज़ुबैद। मेरी करम फरमा, अपनी बेगम दाया की खिदमत में अर्ज है कि तोहफे मुतबर्रिक एक ऐसी चीज है जो आंखों को अंधा कर देता है, होश उड़ा देता है और दिल चुरा लेता है। अगर घर में लटका दो तो खैर बरकत की बारिश होती है, गर्दन में पहन लो तो फौलाद की जिरह का काम देती है। कोई तीर गुजर ही नहीं सकता।
अगर कफन में रख दो तो मुर्दे को फिशारे कब्र से बचा ले, मुनकिर नकीर के सवाल जवाब से बरी कर दे, इसी की बरकत से पुले से रात भी वसी हो जाता है और यही जन्नत की चाबी भी है। तुम तो शद्दाद की जन्नत लेकर बैठ गए शायर। ले जाओ, बताना मोहम्मद की जुल्फों में का एक बाल है, यही अजीज तरीन तोहफा जो वलीद के पास है, इसे गुलाब से धोले ना कि शराब की बो न दे, हथेली बराबर एक सब्ज कपड़े में इसे लपेट लो तो क्या ही कहना, कहना मोहम्मद के अमामे का टुकड़ा है। बाकी बातें तो अबू जुबैर ने तुम्हें समझा ही दी है, अब जाओ देखें तुम क्या करती हो। तुम्हें दुल्हन नहीं चाहिए, खुत्ताम जैसी शैतान चाहिए जो तुम्हारा दिमाग सही कर दे। उस वक्त तक अगर मैं जिंदा रह गई तो मैं देखूंगी कि तुम लोगों से कैसी नस्ल निकलती है। तुम इधर खड़े हो जाओ और तुम उधर। हाँ सब खैरियत है, मेल मिलाप का पैगाम लेकर आई हूँ, रिश्तेदारियाँ नहीं बढ़ाओगे? जो भी खुदावंदे आलम चाहे, इज्जत अफजाई का शुक्रिया, तशरीफ ले चलिए। नहीं आओगे पहलवान? नहीं मोमिन, मैं तुम्हारे घर का नमक नहीं खाना चाहता। बखुदा मुझे इसकी खबर नहीं थी। वरदान खुताम चाहते हो तो अपने रकीब को हटाना पड़ेगा। मैं अपनी जबान पर कायम हूं वरदान। Thank you.
खुताम, इधर तो आना जरा। जीती रहो बेटी, तुम खुद एक बेमिसाल गौहर हो। मेरे पास तुम्हारे लायक कोई तोहफा ना था। ये तोहफा वलीद ने अपने माल से दिया है या कूफे के बैतुल माल से? ये तोहफा मैं अपनी तरफ से दुल्हन के लिए लाई हूँ। इसका ताल्लुक ना वलीद से है और ना बैतुल माल से। हम अपने ईमान का सौदा जरो जेवर से नहीं करते बानो। ये एक रस्म है अबा खुदा, मर्द अपनी तलवार पे नाज करते हैं और औरतें अपनी जेवर पर। वलीद से कहो खुताम को अपने ईमान पर नाज है, उसके लायक कोई तोहफा हो तो आए। मोमिन जल्दबाज नहीं होता अबा खुदाम, जरा सब्र करो। हम भी मुसलमान हैं, किबला पहचानते हैं, बरज़ख दोज़ख और जन्नत की हमें भी फिक्र है। मल मिसकाल ज़र्रत खैरन यरा व मन यअमल मिसकाल ज़र्रत शर्रन यरा। मर्द इबादत गुजार तुम जैसा अच्छा शामा रखता है, जरा सूंघो, तुम्हें रसूल खुदा की खुशबू नहीं आ रही? लीजिए ये मुतबर्रिक तोहफा वलीद की तरफ से। रसूल खुदा का बाल है हजरत के अमामे के कपड़े पर। तुम वजू से हो खुताम जान? नहीं नहीं दया जान, अगर बेवजू हाथ लगाया जाए तो कराहत रखता है। अपने कफन का जेवर बना लो अबा खुदाम, कब्र की तन्हाई से निजात मिलेगी, पुलिस रात पर पैर नहीं लरजेंगे। ये तोहफा जन्नत के दरवाजे की चाबी है, इसकी अहमियत को समझो। अबा खुताम को इकबाल से धोखा दे दिया, अब खुताम को किस चीज से धोखा दोगे? Thank you.
خائن خائن چھڑی اتنے میں جو حرام कहाँ हो? यहीं पर हूँ। नहीं पूछोगे क्या हो? चेहरे की खुशी से तो पता चलता है कि मंगनी हो गई है। अब शादी कब तय पाई है बानो? बहुत ही मुबारक हो। बुखलाई क्यों हो? खुशी से बानो, आपको मेरे सर पे दो सींग नजर नहीं आ रहे? कल रात वलीद की दुश्मन और आज वलीद की दुल्हन, ये अजीब नहीं है बानो? खुदा दोनों को आबाद करे। बेदार हो जो वलीद, तुलू सुबह करीब है, उजाला फैल चुका है, लोगों की नमाज कजा कराओगे? कैसा बेहूदा झुकना उठना, सुबह की मीठी नींद आराम, बेहूदा उठना बैठना हलाल। ये रियासत भी मेरे लिए अजाब जान बनी हुई है। मेहराब और मिंबर से मुझे क्या मतलब चाय जाम? तुमने फिर से ज्यादा शराब पी रखी है कमबख्त, ये तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। नशे की हालत में तुम्हारा मस्जिद को जाना ठीक नहीं। कहाँ जा रही हो? किसी से मस्जिद में कहलवाती हूँ कि तुम बीमार हो। कौन नमाज पढ़ाएगा मस्जिद कूफा? कोई भी पढ़ा देगा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कौन, मालिक एस्तर? नहीं दाया नहीं, जाओ मैं ठीक हूँ। जाओ उजू के लिए गुलाब ले आओ, जल्दी करो। खड़ी क्यों हो? खड़ी क्या देख रही है कुतिया? मैं अगर किसी कुत्ते को भी दूध पिलाती तो आज ये अल्फाज सुनने को ना मिलते। लांती। नशा उतरने से सब ठीक हो जाएगा। रात इधर है। मेरी आंखों की स्याही में दिन इधर है, मेरी आंखों की सफेदी में मैं आलम हूँ। दुनिया मेरी आंखों के घूमने से घूमती है, मेरी एक निगाह से सूरज तुलू होता है, मेरी एक निगाह से रात को सितारे उतरते हैं। दुनिया मेरी आँखों के इशारों से चलती है, अगर आँखें बंद कर लूँ तो आलमपुर आशोभ हो जाए। मैं कुत्ताम हूँ। रात मेरी आँखों में, लो रात को देखो। दिन मेरी आंखों में, लो दिन को देखो। रात को देखो मेरी आंखों में, दिन को देखो रात को देखो। आलम को देखो मेरी आंखों में, देखो। इस दीवानी को जंजीर में जकड़ दो, जंजीर में जकड़ दो इसे। ना पूछो मामा।
खुताम हूँ। खुताम? तुम खुताम नहीं हो बेटी। मेरी बच्ची, क्या तुम्हें यकीन हो गया है कि तुम खुताम हो? तुम खुताम नहीं हो। चलो मेरी बच्ची, चलो चलो चलो। हाँ हाँ, मैं खुताम हूँ, मैं खुताम हूँ। रात को देखो मेरी आंखों में, दिन मेरी आंखों में, आलम मेरी आंखों में, मेरी आंखों में दिन देखो, मेरी आंखों में देखो। ये जलजला मुझे नाबूद करके छोड़ेगा। खुदाम, खुदाम, मुझे नाबूद कर दे, मुझे नाबूद कर दे खुदाम। पीते जा और पिलाते जा। अल्लाह, ये क्या हो गया है? सुबह की नमाज क्या चार रकत हो गई? जहां तक मैं जानता हूं नहीं। फिर उसने चार रकत क्यों पढ़ी? अबू जैनब, वलीद अपने हवास खो बैठा है। सुबह की नमाज उसने चार रकत पढ़ा दी। हैरान हूं मैं, आज तक मैंने उसे इस हालत में नहीं देखा। बाबा, इसने सुबह की नमाज चार रकत क्यों पढ़ी? बाबा, ये वलीद ने क्या कर दिया? उसने इस तरह क्यों किया? तुम्हारा दिमाग कहाँ है? चार रकत पढ़ा दी है, कम है और पढ़ा दूं? ज्यादा पढ़ा दी, ज्यादा बेवकूफ, दो रकत ज्यादा पढ़ा दी। दो रकत मेरी तरफ से। अय्युहन नास, तुम्हारा अमीर बुखार की वजह से बीमार है, वो हजियान बक रहा है, उसे सख्त बुखार है, आग की तरह बुखार में शिद्दत की वजह से उसने दो रकत नमाज के बजाय अगर चार रकत नमाज पढ़ा दी तो क्या गुनाह किया? शराब की हकीकत का क्यों इनकार कर रहे हो शायर? बदन तो बिल्कुल ठंडा है। हाँ? वली, तुझे तो बुखार नहीं है। Thank you.
जिसको भी इस मलून की खबासत पर शक है वो अपने कान खोल कर सुन ले। जमाने जाहिलियत में जिसने भी शराब पी है और उसकी बू को पहचानता हो उसके मुंह को सूंघे। लानत हो उन पर जो सिर्फ माले दुनिया की खातिर खामोश बैठे हैं। वलीद के सिक्कों पर पलने वाले आए और आकर देखें कि किस बदबूदार लाशे की इक्तदा की है। बनी आजद और असद तो दुश्मनी से कहते हैं, तुम लोग तो गैर जानिबदार हो। कभी शराबी भी पेश नमाज देखा है? मालिक, ये रहा जुर्म का सबूत। इस फसाद के जरासीम को तो मार देना चाहिए। एक फासिद को हमारा हाकिम बना दिया गया। मालिक, मैं इकरार करता हूं कि मुझसे शेख की तरफ ना इंसाफी हुई है। तुम सबसे ज्यादा शेख से नजदीक थे। बताओ मैं क्या करूं? क्या खलीफा से शिकायत करें? वलीद ने तुम में से कुछ लोगों की हिमायत से शेख को निकाला है। मदीने में मरवान ने उन्हें इतना पीटा है कि उनके सीने की हड्डियां टूट गईं। अगर तुमने भी खलीफा से शिकायत की तो तुम्हारी भी हड्डियां तोड़ दी जाएंगी। कूफे में अगर वलीद को कत्ल करोगे तो खलीफा के खिलाफ जंग करने का हुक्म लग जाएगा। अब एक ही रास्ता है, जाके अली से मदद मांगो। शायद उम्मुल मोमिनीन आयशा भी तुम्हारी मदद करे। मदीना जाना चाहते हो तो जल्दी करो। अगर वलीद होश में आ गया तो कूफे का रास्ता बंद कर देगा। तुम नहीं आओगे मालिक? वलीद और वलीदियों से निपटने के लिए मैं यहीं रहूंगा। चलो चलते हैं। कमीने बदसात, ओ कमीने जलील, बदसात जलील गई के मलून। जरा राज काक हो तेरे सर पे वलीद।
मैंने उसे मार डाला। क्या भूत बने खड़े हो? पता है क्या हुआ? क्या हुआ? वलीद की अंगूठी चोरी हो गई। किसने चुराया? जाओ कूफे के दरवाजे को बंद कर दो, जाओ जल्दी करो वरदान। दरवाजा बंद करो, बगैर इजाजत के दरवाजा क्यों खोल रखा है? इजाजत की क्या जरूरत है, तो हमारा हर रोज का काम है वरदान। कोई मशकूक सवार तो नहीं निकले? मशकूक क्यों, मुझे क्या खबर, यहाँ से चार घोड़े सवार गुजरे। उनका रास्ता बंद क्यों नहीं किया? तो रास्ता बंद करूं? दरवाजा खुला है, आना जाना आजाद है। बेवकूफ, अगर इसी तरीके से हर एक आता जाता रहे तो निगहबान की क्या जरूरत। दरवाजा खुला रहे या बंद कर दूं? जो दिल चाहे वो करो, चलो। चलो बसरे के रास्ते से चलें। इतनी दूर से क्यों? कहीं वलीद के सिपाही पीछा ना करें। जान से मार डालूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ वरदान, रुक जाओ वरदान, वरदान। मैं अमीर कूफा का मुहाफिज हूँ, इस छत के नीचे किसी को अमीर नहीं पाता। वाकई नहीं पाते हो? बिल्कुल नहीं पाते हो। वफादार कुत्ते तो अपने आका के सामने दुम हिलाते फिरते हैं, जबान नहीं चलाते। गुस्ताख हो गए वरदान। दफा हो जाओ अबू जुबैद, उसके नशे का सबब तुम ही हो। क्यों कल रात वो दूसरों का दिल तोड़कर शराब पे शराब पिए जा रहा था और तुम दोनों आपस में जाम टकरा रहे थे? ओ मर्द अरब, कसूर तो तुम्हारा है जो तुम दूर हुए और उसकी अंगूठी चोरी हुई। जब तुम्हें पता था कि उसकी हालत सही नहीं है तो तुमने गफलत क्यों की? पता है उसने मेरे साथ क्या किया? ओ, ओ। तुम्हें नहीं पता कुत्ता मेरे ख्यालों की दुल्हन थी। और अब उसके मकर की रानी है,
वफादार नौकर मैं हूं जो उसे अभी तक कत्ल नहीं किया। देखा दाया, ये पत्थर का भूत भी खुताम का आशिक हो गया है। देखा किस तरह रो रहा था। अगर वलीद दिन रात काली आंखों वाली की याद में खून के आंसू बहाए तो गुनाह है। बस खुताम खुताम, कैसी नहस किस्मत है तेरी। काश तू लंगड़ी हो जाती, तेरे पांव टूट जाते। काश तेरी जबान काम ना करती बुलबुल। देखा शायर, इस दुल्हन ने अपनी मेहंदी के लिए कितने खून बहाए। बड़ी हसीन है, हौलनाक है। इस इश्क जिगर खार ने तो इज़राइल को भी पीछे छोड़ दिया, जो मेरे जिगर के टुकड़े करके मौत को ललकार रहा है। मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। सब्र करो वलीद, इसका हल सोचना होगा। तुम्हारे दर्द की दवा जरूर होगी। मेरे दर्द की? मैं दर्द गिनता हूं, तुम दवा बताओ। हमने शेख को शहर बदर किया तो आयशा हमारे खून की प्यासी हुई। आले उमैया की अली से दुश्मनी उनके बाप दादाओं को कत्ल करने से हुई। सबूत खलीफा तक पहुंचेगा, अली दखालत करेंगे, आयशा बलवा खड़ा कर देंगी तो कूफे की इमारत बन जाएगी कब्र वलीद। और वो काली आंखों वाली बन जाएगी मेरी मलिका अजाब। अब वलीद के दर्दों की दवा तुम किस तरह करोगे शायर। कूफे के लोग वलीद की मोहर फरमा रवाई जो उसकी अंगूठी में थी लेकर मदीने में खलीफा वक्त के पास आ गए ताकि उन्हें कूफे में गुजरने वाले हालात से आगाह करें। लेकिन मरवान इबन हकम और अबू सुफियान शिकायत करने वालों की बात खलीफा तक पहुंचने में माने करार पाए, लिहाजा शिकायत लेकर आने वाले लोग उम्मुल मोमिनीन आयशा की खिदमत में चले गए और उनसे वलीद के फिस्क व फजूर को बयान किया। उन्होंने खलीफा से सख्त बहस व मुजादला किया और रसूल अकरम की नालैन हाथ में लेकर फरियादें बुलंद की। कितना जल्द इस साहिब नालैन की सुन्नत को भुला दिया गया कि जो अभी पुरानी भी नहीं हुई। आयशा का खिताब तेज़ी से मुसलमानों में आम हो गया। नतीजतन मस्जिद नबवी में एक बड़ा इज्तमा सामने आया और इस तरह मरवान से काफिया न बन पाया और खलीफा पर हकीकत आश्कार हो गई। वाली सईद इब्न आस, तुम कहाँ और कूफा कहाँ? कूफे की हुकूमत लेने तो नहीं आए हो या इसीलिए आए हो? तुफ़ तुम पर वलीद, तुम माया नंगे आले उमैया हो। माया नंगे उमैया? सुना अबू सुबैद, माये नंगे उमैया। तो यकीनन सईद इब्न आस और मरवान बिन हकम माये शराफत आले उमैया है।
आले उमैया में कोई शराफत भी थी? किस कदम से आस, हकम, उकबा, अबू सुफियान या किसके? शायद हिंदे जिगर खार की शोहरत से आले उमैया साहेब फजीलत हो गए। ये काम जो मैंने किया है तुम छुप के किया करते हो? कूफा क्यों आए हो इब्ने आस? क्यों? अब मैं नया अमीर कूफा हूं, मुझे हुक्म मिला है कि तुम्हें मदीना रवाना कर दूं। तुमने वो काम किया है कि उम्मुल मोमिनीन ने रसूल खुदा के जूते उठाकर वह मुसीबत का नारा बुलंद कर दिया है। आयशा, किस बहाने रसूल खुदा की हुरमत को तोड़कर बाहर निकल आई? खलीफा क्यों उनकी बातों पर ध्यान देते हैं? जिस तरह के तुमने शराब पीकर नमाज पढ़ाई है, कोई हुरमत रसूल खुदा को तोड़ता है तो कोई खुदा रसूल की हुरमत को। चलो अपना बिस्तर बांधो और सफर के लिए तैयार हो जाओ, अगर देर करोगे तो मसला और बिगड़ जाएगा। और सुनो, तुम लोग सबसे पहले मिंबर को तहारत देना। ए चलो दफा हो जाओ, अगर मैं नजी छू तो तुम लोग आए नजासत हो। मिंबर को किससे तहारत दोगे? आधे कुर्स से आले उमैया की नजासत का क्या करोगे? मदीनतुन नबी हिजरी कमरी के चौथे अशरे में। क्या किया आलिम? कुछ नहीं हो सकता अबू सुफियान। कफारा देने पर भी राजी नहीं? नहीं, जितनी आया तो हदीसें याद थी, सब पढ़ डाली। खलीफा हैं कि गुस्से से दांत पीस रहे हैं, बस दीवार की तरफ देखते हैं और चुप। सुमन बुक 40 कनीजें खरीद कर आजाद कर लूंगा और एक साल तक 40 फकीरों का घर चलाऊंगा। सारी कोशिशें बेकार हैं अबू माविया। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम जैसे आलिम होते हुए हमारी मुश्किल हल न कर सको। जाके एक नई हदीस सुनाओ जो तुम्हारे सिवा किसी ने न सुनी हो। मुझे ना बनाओ अबू सुफियान, गुस्से से खलीफा का ये हाल है कि वो आलिम, आकिल, आबिद किसी को देखना नहीं चाहते। दोबारा मुझे देख लिया तो असा से मेरा सर तोड़ देंगे। 10,000 दीनार? 1,00,000 भी नहीं। खलीफा गुस्से से कांप रहे हैं, ताजियाना अली के हाथों में दे दिया है, सजा मिलकर रहेगी। इतनी शराब क्यों चढ़ा ली थी कमबख्त? इतना पीना चाहता था कि सबको भुला दूं। किसको भुलाने के लिए? कुत्ते। अपने आप को, बाप दादाओं को, सारे खानदान को। काश तुम अंधे नहीं होते तो मैं तुम्हें आई ना देता और तुम देखते कि हम सब तुम्हारे शबी हैं अबू सुफियान।
30 साल पहले तू भी तो एक फातिही ने जंगे बद्र में से था। 30 साल लगे, 30 साल अपने दांत पीसता हुआ सब्र से अपने जीत का इंतजार किया। तुम्हारे जंगे बद्र में लगाए हुए जख्म हम पर अब तक ताजा। बद्र वाले भी अबू सुफियान की दुश्मनी से लरस जाए और जान लें कि मैं भी असहाबे बदर के एक एक की कब्र बनाकर चोग मनवाऊंगा। अबू सुफियान, तुम हमारे लिए वैसे हो जैसे कि मूसा के लिए फिरौन था, उससे भी बदतर। मदीने में शेख पर जुल्म और सितम के एक मुद्दत के बाद कूफे में वलीद की बदामालियां खुलकर सामने आ गईं। कूफे के कुछ लोग वलीद की शिकायत लेकर मदीने में खलीफे वक्त के पास इंसाफ मांगने आ गए, लेकिन मरवान इब्ने हकम और अबू सुफियान दोनों ने मामले की सुलह सफाई न होने दी। कूफे वाले शिकायत लेकर उम्मुल मोमिनीन आयशा के पास गए और उन्होंने रसूल करीम की नालायन मुबारक को हाथों में उठाकर फरियाद बुलंद की कि कितना जल्द उसकी सुन्नत को भंग दिया जिसकी नालायन भी अभी बोसीदा नहीं हुई है। इस तरह आयशा ने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए वो तकरीरें की कि मुसलमानों में खलबली मच गई और लोग बेदार होने लगे कि बनी उमैया के क्या करतूत हैं। नतीजे में वो हिसार जो खलीफा तक पहुंचने में माने था टूट गया और मरवान और मरवानियों का असली चेहरा खुलकर सामने आ गया। वलीद को कूफे की इमारत से माजूल कर दिया गया और 80 कोड़े लगाने की सजा सुनाई गई। चूंकि वलीद खलीफा का दूध शरीक भाई था इसलिए किसी में हद जारी करने की हिम्मत न हुई। लोग सोच रहे थे कि इस दरबार में कौन हद खुदा को जारी करे। यहां तक कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने बजात खुद इकदाम किया और फरमाया, मैं हद खुदा को जारी करूंगा चाहे कुरैश मुझे जल्लाद ही क्यों ना कहे। शेख कूफा सहाबी रसूल मुफस्सिर व मुअल्लिम कुरान करीम अब्दुल्लाह इब्ने मसूद बनी उमैया के जुल्म व सितम की ताब न लाकर इस दुनिया से रहलत फरमा गए और वसीयत की कि मेरी नमाज जनाजा खलीफा के बजाय अम्मार यासिर पढ़ाए। उठो उठो हमजा, काक उड़ाओ अपने सर पर, असहाबे बद्र की गुर्बत पर गिरिया करो। ये जो लब्बैक या मोहम्मद सुन रहे हो जो चंद तारीख दुनिया की जबानों पर है, खुदरत मोहम्मद बनी उमैया के हाथों में आ गई। सुल्तान शाम मेरा बेटा, मेरा बेटा मुआविया पिसर हिंद जिगर खार, हमजा तेरा जिगर चबाने के बाद भी मेरी हिंद को ठंडक न मिली। पता है कि तेरे भतीजे के घर की इज्जत अब कहां रह गई। आयशा ने बनी हाशिम के मुंहों को कुफल कर दिया है, शोरिश करने वाले आयशा के तरफदार हो गए। मोहम्मद की नालायन को हाथों में उठाकर वाह मुसीबता की फरियाद बुलंद की। अब कहां बाकी रही सुन्नते मोहम्मद, सुन्नते मोहम्मद। अलविदा या शेख, मेरी तरफ से भी नबी की दस्तबोसी करना। बता देना कि जब अम्मार को आपकी याद आती है तो अली की जियारत कर लेता है और हसनैन की।
قریش 30 سال سے بنی ہاشم کے لگائے زخموں سے زخمی سانپ کی طرح تڑپ رہے ہیں۔ دروس دن سے جب بنی امیہ کی تلواریں خون سے سیخل ہوں گی۔ لعنت ہو، تو قسم خدا کی طلحہ، میری تلوار نے کئی مشرکین اور منافقین کی گردنیں اڑائی ہیں۔ کاش اس ام الفتنے کو امان نہ دی ہوتی، ہم احد سے بھی بڑی جنگ کریں گے۔ اس بار خریش کے سرداروں سے خیانت کے جرم میں ہم علی کا سینہ چاک کریں گے۔ رک جا باب الکفر، تم بھی محمد کی طرح القاب خیرات کر رہے ہو زبیر۔ اگر ابو سفیان باب الکفر نہ ہوتا تو سیف الاسلام زبیر بھی نہ ہوتا۔ تم بھی تو کچھ بولو طلحۃ الخیر، محمد نے تم دونوں ایمانی جوڑے کو القاب دینے والا منبر دے دیا ہے، جس کے نتیجے میں تمہیں آقائی مل گئی ہے۔ یہ تم کیا کر رہے تھے؟ زمین پر مار رہا تھا۔ کس نیت سے؟ معلوم ہے وہ زمین جو مجھے نگل جائے گی میری دشمن ہے۔ لعنت ہو تجھ پہ، یہودیوں کے قبرستان میں حمزہ کی قبر کی نیت سے گستاخیاں کر رہا ہے مکار ابو الفتنہ۔ اے طلعت الشر، اپنی زبان پر قابو رکھو، رہی قبر حمزہ کی بات تو وہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ میں اور حمزہ عبد مناف کی اولاد سے ہیں، حمزہ زبیر کا مامو ہے۔ زبیر غصے میں آئے، تم کون ہو؟ میں دین محمد کا پیروکار ہوں اور حمزہ کا برادر ایمانی اور وکیل بھی۔ طلحہ، فرض کرنا گو کے محال ہے، مرگ عثمان کے بعد اگر تم میں سے کسی ایک کو خلافت مل جائے تو آپس میں کس طرح تقسیم کرو گے؟ طوفان کے آثار کو قبیلے کے حیوانات انسانوں سے پہلے سمجھ لیتے۔ لگتا ہے کہ شام سے کوئی طوفان اٹھنے والا ہے۔ وفات پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے فتوحات کے دور میں اگرچہ کوفہ ایک اہم شہر شمار ہوتا تھا، لیکن اسی طرح مسلمانوں کو رومیوں سے جہاد نصیب ہونے پر قسطنطنیہ میں شام بھی ایک اہم جنگی غنیمت شمار ہونے لگا۔ خلافت دوم ہی کے زمانے سے معاویہ ابن ابی سفیان کو شام کا حاکم اور لشکر شام کا سپہ سالار مقرر کر دیا گیا، اور خلافت سوم کے زمانے میں بھی معاویہ کو اسی مقام پر باقی رکھا گیا، اور اس طرح ایک قوی حکومت قسطنطنیہ میں بھی قائم ہو گئی۔ کیا خبر ہے فاروق؟ پوچھتے ہو کیا حال ہے؟ میں تمہیں کیا بتاؤں، بس موت کرونا ہے سمجھو، خستہ کنندہ کام ہے نعمان۔ دولت مند اپنے مال کے بجائے اپنی جان دینا آسان سمجھتے ہیں۔ یہ سینیاں جو تم دیکھ رہے ہو فقط شام کے تجار کا سہم زکات ہے۔ ان کی شکلیں تو دیکھو جیسا کہ خود مستحق زکات ہیں، ذرا سی بھی غفلت کی تو سونے کی تھیلی غائب۔ اپنی سناؤ نعمان۔ بالکل سرخ ہے سرخ، جب خزانہ زیادہ ہو اور لشکر مضبوط، کامیابی کی نئی راہیں تلاش کرنا چاہیے فاروق۔ Thank you.
باورچی سے کہو نمک کم تھا۔ الهی به نعمتات شکر۔ لو نومان پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن، بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ عثمان ابن عفان کی جانب سے معاویہ ابن ابو سفیان کے نام تمہارا بھیجا ہوا نوشتہ ملا، جس سے پتہ یہ چلا ابو ذر غفاری فئی کے اموال کے خلاف شعلہ بیانی سے کام لے رہے ہیں، اور یہ بھی سنا ہے کہ ہمارے خلاف کچھ لوگوں کو بھڑکا بھی رہے ہیں۔ اموال فئی ان اموال میں سے ہے جو بغیر خون ریزی کے مسلمانوں کے ہاتھ لگا، جس کا حق تصرف فقط خلیفہ اور ان کے متولیوں کے اختیار میں ہے، اور کوئی بھی اس کے آمد و خرچ کے بارے میں بولنے کا حق نہیں رکھتا۔ اگر ابو ذر بات نہ مانے اور اپنے دیے ہوئے فتوے پر عمل کریں اور امور خلافت میں مداخلت ایجاد کریں تو ان کو ایک سرکش اونٹ پر سوار کر کے مدینہ بھیج دو۔ خداوند عالم مسلمانوں کو عزت و شوکت اور تمہیں توفیق اطاعت عطا فرمائے۔ خدا کی قسم ابو ذر کے شر کو دبانا فتح قیصر سے مشکل تر ہے۔ ہاں نعمان، ابو ذر کے ساتھ کیا کرو گے؟ جو امیر حکم کریں۔ میرا حکم نہیں نعمان، خلیفہ کا جو حکم ہو۔ حکم خلیفہ کے بغیر کچھ کرنا ہوتا ہم سب سے پہلے مجنون غفاری کی گردن اڑا دیتے۔ جلد سے جلد خلیفہ کے حکم کی تعمیل کرو نعمان۔ خاموش، چپ ہو جاؤ، آنکھیں نیچے کر لو۔ تم لوگ اگر غربت کی وجہ سے پریشان ہو تو اس پتھر کو اپنے پیٹ پر باندھ لو۔ یہ سارا مال کسی بادشاہ کے تحفے نہیں ہے، بلکہ شام کے تجار کی زکات ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری ثروت میں تین شریک ہیں؟ پہلا شریک تمہارا مقدر ہے، جو اجازت کے بغیر تمہاری ثروت کو نابود کرتا ہے۔ دوسرا شریک تمہارے وارث ہیں، جو تمہاری موت کے منتظر ہیں۔ تیسرا شریک تم خود ہو۔ ہاں تم، سمجھے، کار خیر کرتے رہو۔ جان لو کہ ہر دن دو فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، ایک راہ خدا میں خرچ کرنے والے کے حق میں دعا کرتا ہے کہ خدایا اسے اجر عطا کر، اور دوسرا فرشتہ لعنت بھیجتا ہے کہ اس نے مال و ثروت جمع کیا ہے، اس کو نابود فرما۔ اور تم لوگ سنو اے فاخہ کش لوگو، حیرت کرو اس پر جو فخر و فاخے سے ڈر کر خانہ نشین ہو، اور اپنا حق حاصل کرنے کے لیے تلوار پر مسلط نہ ہو۔ کیا فضول بکواس ہے دیوانے؟ یا فی کیا بکواس ہے؟ کیا فی کی غنیمت مسلمانوں نے لڑ کر حاصل کی؟ نہیں،
तो ये माल भी खुदा का माल है, मुसलमानों का नहीं। खुदा बेनियाज है, जो कुछ है इन बंदगा ने खुदा का है। तो हम खुदा के बंदे नहीं? क्यों नहीं हो, तुम भी खुदा के बंदे हो, लेकिन तुमने खुदा को भुला दिया है। जरूरत से ज्यादा तुम्हारे लिए लिबास का अंबार है। तुम्हारे लिए कितने किस्म के लजीज खाने बनते हैं। मुआविया, तुम्हें दो लिबास और पेट भर के खाने से ज्यादा क्या चाहिए? अम्बाले गनीमत खलीफा और उनके मुतवलियों के पास क्या कर रहा है? अपनी जाती सरवत की तरक्की, इस भूखी उम्मत की खुशहाली, या आबादी के लिए खर्च हो रहा है? बैठ जाओ, इस मुरझाए हुए चेहरे को देखो। और देखो इस चरबदार को। ये फर्क जो तुम देख रहे हो, कहां जिक्र हुआ है शरीयत मोहम्मदी में? साबित करो, जिसने भी हराम जमा किया है उसकी हलक से निकलवाऊंगा। बात इंसाफ की है, इसराफ की बात है। तुमने दीन मोहम्मद के जौहर को नहीं जाना, खुदा को सिर्फ हराम और हलाल की हद तक जानते हो। मैं किस तरह साबित करूं जब उस मुजरिम ने तुम्हारी इख्तिदा की है? मैंने तुम्हारे और तुम्हारे गासिबीन की निशानदेही कर दी है। तुम लोग डरना नहीं, और जान लो कि मर्द की ताकत उसके दिल में होती है, न उसके लिबास में। और तलवार की धार तलवार में होती है, उसके नियाम में नहीं। तुमने इन लोगों का माल गस्प किया है। मैं नहीं, हरगिज नहीं, कसम खुदा की अमीर, हरगिज नहीं। मैंने बड़ी मेहनत मुशक्कत से तिजारत की है अमीर, अपने माल का ज़कात भी पाबंदी से देता रहा हूँ। बार हर डाकुओं ने मुझे अपनी जद में लिया है, कई बार लूटा भी है। कसम है अल्लाह की, एक जर्रा भी मेरे जिम्मे किसी का बाकी नहीं है।
لو اب یہ تلوار ہے اور تم ہو, خلیفہ پر تہمت لگانے کے جرم میں اس کی گردن اڑا دو. نہیں امیر, میں نے اپنے ہاتھوں سے اب تک کسی کا خون نہیں کیا ہے, مجھے معاف کر دیجئے. جھوٹ بولتا ہے, مجرم تو خود ہے نومان. جی امیر, اڑا دو اس کی گردن. اطاعت کرتا ہوں امیر. تلوار کا سہارا لوگے, جواب یہی ملے گا. اپنی عقل پہ بھروسہ رکھو, جاؤ مسجد میں جمع رہو تاکہ میں کچھ کر سکوں. تم لے جاؤ اس کا علاج کروا اور اس کی دیت ادا کرو, اگر وہ مر گیا تو تم سے قصاص لوں گا. اور تم؟ اطاعت امیر. اس سونے کی تھیلی کو فقراء میں تقسیم کر دو. اچھی بات ہے. نومان. جی امیر. ابو ذر کو لکڑی کی پالان کے اونٹ پر بٹھا کر شریر سپاہیوں کے ساتھ مدینہ روانہ کرو. اس کے گھر والے شام ہی میں رہیں گے. مروان, تم ہو مریم؟ ارے کیوں گئے مروان؟ نہ نہ, آخر میں کیوں ڈروں؟ کیا کوئی کام ہے؟ دسترخوان لگا دیا ہے, خلیفہ اپنے لائق داماد کے انتظار میں کھانا نہیں کھا رہے ہیں. لائق داماد میں کہاں ہوں؟ سن و سال کے اعتبار سے نہیں, لیکن عقل و فکر کے اعتبار سے تو ہو. تو تم بھی اپنی بہنوں پہ نظر رکھو, کہیں حسد نہ کرنے لگے. مروان مروان, یہ تو وہی انگوٹھی ہے جو میرے بابا خلیفہ وقت کے ہاتھ میں ہوتی ہے.
कहां चली गई है तुम्हारी अक्ल? कहां तक ये बूढ़ा और अंधा अबू सुफियान आले उमैया की बलाएं अपने सर लिए फिर क्यों इस आने वाले खतरे से तुम गाफिल हो? कौन सा खतरा? वही तूफान जो बसरे से आ रहा है। अबू जर, क्या किया तुमने उस पर काबू पाने के लिए? घबराए नहीं अम्मू जान, वो मर्द नातवान लकड़ी के कजावे पर सवार है, मदीना पहुंचने से पहले ही मर जाएगा। लकड़ी के कजावे पर जो सवार है वो एक सहरा नशीन मर्द है, रंजे सफर उसके लिए कुछ नहीं। तो मैं क्या करूं? माविया को उसके शर से बचा लिया तो क्या ये कम नहीं? तुम नाराज क्यों होते हो मरवान? डरता हूं असहाब मोहम्मद से आपकी दुश्मनी हमारे लिए वबाले जान न बन जाए। उनके असहाब की तलवारों से हमने बड़े बड़े जख्म खाए, तुम किस चीज से डरते हो मरवान? वलीद का अंजाम नहीं देखा? वलीद आमक था, उसका खुलम खुला शराब पीना उसकी तबाही का बायस बना। मरवान, मैं ये नहीं चाहता कि माविया फितने से बच जाए और तुम फितने में गिर जाओ। तुम दोनों मेरी जान के टुकड़े हो। अबू जर मदीना पहुंचकर तुम्हारी जान को आ जाएगा, पहुंचने से पहले उसका काम तमाम कर दो। अम्मू जान, अबू जर का मदीने में आना कोई बड़ा खतरा नहीं है। वो अली से कवितर तो नहीं? अली मदीने में रहकर क्यों हमारा कुछ नहीं कर पा रहे हैं? अबू जर ना तो नबी का भाई है, ना खानदान नबूवत से है और ना ही उनका दामाद। एक सहरा नशीन साहबी है जिसे ना तो उहद व खंदक व हुनैन में शिरकत की सआदत मिली है ना कोई दूसरी फजीलत। नहीं अम्मू जान, नहीं। अबू जर बकौल आपके अगर तूफान भी है तब भी हमारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज तुम मेरी बात नहीं मानोगे। जब अबू जर तुम्हारी जान पर आ जाएगा तो तब मुझे याद करोगे। अबू जर का खियास अली के साथ करना ये तुम्हारी गलती है, अब तुम जानो। अम्मू जान, अम्मू जान, अबू जर के कत्ल का जवाब तो खलीफा की तरफ से होना चाहिए। एक जाली तहरीर लिखो, खलीफा से मोहर चुरा कर लगा लेना। खलीफा की मोहर तो उनकी उंगली में रहती है, मोहर चुराने के लिए तो उनकी उंगली काटना पड़ेगी। खलीफा की बेटी तुम्हारे घर में है, मरियम उनकी बेटी खेल खेल में अपने बाप की उंगली से अंगूठी निकाल सकती है। काब यानी नामालूम अहदीस का खजाना। सुनो रसूल अल्लाह की हदीस, मन अकला बसल अल अक्कत फिल मक्का वजब लहुल जन्ना। जो अक्के की प्याज मक्के में खाए उस पर जन्नत वाजिब है। जिसने एक अदद अक्के की प्याज शेख शर्जी से खरीद ली उसने जन्नत में एक वजब जगह खरीद ली। जिसने दो अदद अक्के की प्याज शेख शर्जी से खरीद ली उसने जन्नत में दो वजब जगह खरीद ली। और जिसने तीन अदद अक्के की प्याज शेख शर्जी से खरीद ली उसने जन्नत में तीन वजब जगह खरीद ली। और जो चार अदद अक्के की प्याज शेख शर्जी से खरीदे 100 इराकी दीनार की नजर की है मैंने और तलहा ने कि हमारे मरने से पहले अबू जर के चेहरे पर तबस्सुम देखे। समझ लो उसने जन्नत में आखिर क्या बात हो गई है जो तुम सरे अफसोस हिला रहे हो मोमिन? तुम लोगों ने खुदा को भी महल नशीन बना दिया है। और जो 7 अदद अक्के की प्याज शेख शर्जी से अब सिर्फ अबू जर और उसका डाकू घराना बेताज रह गया है। कहाँ वो नूर खुदा और खुशबू मोहम्मद जो मस्जिद नबी ने बनाई थी
उस पर जन्नत में 8 वजह वहाँ दिलों की सफाई होती थी और जो 9 अदद शेखे शर्जी जो मस्जिद की प्यास खरीदे आज देख रहा हूँ समझ लो उस पर 9 वजह जन्नत में कब्र है पाक दिलों की। कोई एक आयत सुना दो जिसमें मुसलमानों पर वाजिब करार दिया गया हो कि मस्जिद की दीवार मिट्टी ही की बने और उसकी छत खजूर के पत्तों ही की हो। आयत सुनाओ। उसने सारी जन्नत अपने नाम खुदा का शुक्र तुम में से हर एक कई एक वहियों के बारे में जानते हो। अहादीस और आयात का गणना यहाँ के खुदा बेखबर लोगों का काम हो गया है। तला अक्के की प्याज वाली हदीस जबानों पर गर्दिश कर रही है। जन्नत में जगह और 5 अदद प्याज की 5 वजह जन्नत में जगह। भाइयों जरा गौर करें, जिसने 1 अदद अक्के की प्याज शेखे शर्जी से खरीद ली वो जन्नत में 1 वजह जगह का मालिक हो गया और जिसने 2 अदद अक्के की प्याज शेखे शर्जी से खरीद ली उसने जन्नत में 2 वजह जगह खरीद ली। जो 3 अदद अक्के की प्याज शेखे शर्जी से खरीदेगा वो जन्नत में 3 वजब जगह का मालिक हो जाएगा और जो 4 अदद अक्के की प्याज शेखे शर्जी से खरीदेगा वो 4 वजब जन्नत में जगह का मालिक हो जाएगा। जो 5 अदद रसूल खुदा पर बोहतान लगाया जा रहा है और तुम तमाशा देख रहे हो। जन्नत में 5 चौदाहे ओहद से तुम्हें शर्म नहीं आती? और जिसने 6 अदद अक्के की प्याज शेखे शर्जी से खरीदी उसने जन्नत में 6 वजब जगह कमा ली। 7 प्याज की 7 वजब जन्नत में जगह, 8 प्याज की 8 वजब जगह, 9 प्याज आदमी मरने के बाद ही आराम पा सकता है। 10 प्याज की 10 वजब जन्नत में जगह और मोहम्मद की वफात के साथ सारी प्याज खरीदने वाले को अबू ज़र भी मर गए मिल जाएगी। किस चीज की तलाश में आए हो यहूदा? यूसुफ की तलाश है आलिम। जाओ और अजीज़े मिस्र के महल में तलाश करो। यहां मदीने में कहां यूसुफ मिलने वाला? मैं बिला वजह नहीं आया। मदीने के बागात किसी यूसुफ ही की बरकत से बाकी है। मैंने यूसुफ को कुएं से पा लिया है। कुएं से? अबू ज़र, आखिर तुम कौन हो? कल मैं कौन होऊंगा मालूम नहीं, मगर आज मैं बुतकदे में इब्राहिम हूं। ताज्जुब है तुम जैसे रसूल के साहबी पर, मुस्लिमीन के दारुल खिलाफत को बुतकदे से ताबीर करते हो? मुझे जरा बराबर भी शक नहीं है, जबकि मेरे सामने ही वो जाली हदीस बनाई जाती रही। अब कद्दू खरीदने पर किसको जन्नती बनाओगे? तुम्हारी अक्के की प्यास का जादू वाली हदीस मैंने भी सुनी है कि पैगंबर ने फरमाया कि जो अक्के की 1 अदद प्याज खरीदेगा 1 वजब जन्नत में जगह पाएगा। मैं तुमसे पूछता हूं मरवान, झूठी हदीस बनाने वाला काब किस बुत की शबी है? इतना वक्त नहीं है जो तुम्हारी बकवास सुने, निकल जाओ यहां से, मुझे खलीफा से मिलना है। खलीफा मैं हूं। फिर तो मैं तुम पर फातिहा पढ़ के जाऊंगा। कान खोल के सुन गफ्फारी दीवाने, फिर कभी अगर सुना कि तुमने कोई फतवा दिया है तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा। जाओ दफा हो जाओ यहां से।
ابو ذر اصحاب صفہ میں سے تھے۔ اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جو جزیرۃ العرب کے مختلف علاقوں سے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ چونکہ وہ گھر بار نہیں رکھتے تھے، اس لیے مسجد کے ایک چبوترے پر جس کا نام صفہ تھا ساکن ہوئے۔ ابو ذر نے خاتون صحابی سے، جن کا نام بعد میں ام ذر پڑ گیا تھا، شادی کی اور صفہ سے الگ رہنے لگے۔ چونکہ ابو ذر صحرا نشین تھے، اس لیے مدینے کے اطراف میں ایک بلندی پر جھونپڑی بنائی اور وہاں رہائش پذیر ہوئے۔ ذرا ٹھہریے، کیا آپ کے پاس سواری نہیں ہے جو اس طرح صحرا میں جا رہی ہیں؟ نہیں بھائی، ہم تو اپنا بوجھ خود ہی اٹھاتے ہیں۔ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ بنی مکافات۔ بھائی ہم سے کیا چاہتے ہو تم؟ کچھ نہیں، میرے پاس اونٹ ہے، سوار ہو جائیے، آرام سے پہنچ جائے گا۔ میں بھی قبیلہ بنی مصیبت سے۔ اس کا کیا نہ مان لو، قابلت ابو ذر کی نامعلوم تقدیر تمہیں خوش آمدید کہتی ہے۔
तुम तन्हाई से तंग नहीं आए? तन्हाई में खुदा को पा लिया है। हम भी तो खुदा के बंदे हैं। जो भी हसब नसब वाला सर्वतमंद, जिसके हजारों घोड़े हो और वो पत्थर के मजबूत मकान में रहता हो, लिबास यमनी पहने और अक्साम के मुरगन गजाएं खाए, वो अबू जर को अपना दुश्मन समझ ले। ऐ लोगो, ये बात अच्छी तरह समझ लो कि फक्र दरीचे से दाखिल होता है और ईमान के दरवाजे से बाहर निकल जाता है। इसने बैत तोड़ी है, हदीसें गढ़ी हैं, झूठी बातों को पैगंबर की तरफ मंसूब किया है, हुक्म खलीफा पर एतराज किया है। बाद साहेबान सर्वत मुसलमान जो के पैगंबर के सहाबी और मुहतरम हैं, उनका मजाक उड़ाया है, गरीबों को वरगलाता है और मुअज्जज शख्सियतों को बे ईमान तसव्वुर करता है। मैं नहीं मानता कि अस्हाब सुफ्फा सेहत व आफियत के आलम में भी गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो सकते हैं। ये शख्स दीवाना है और दीवाने पर ना ही कोई सजा है और ना जिम्मेदारी। हम इसको जंजीरों में जकड़ देंगे ताकि मुस्लिमीन इसके फितने से महफूज रहें। शर्म करो मरवान, गिरगिट की औलाद, तुम हमारे दोस्त को हमसे ज्यादा नहीं जानते। जुबैर, अगर किसी को उसके अजदाद के गुनाह की वजह से सजा देना मकसूद हो तो हम में से अक्सर लोग शर्मसार हैं। अबू जर गफारी कबीले के डाकुओं के खानदान से ताल्लुक रखता है, खुद डाकू है या नहीं क्या मालूम, लेकिन इंसान अपनी असलियत की तरफ मायल होता है। खुदा की पनाह निफाक से, खुदा की पनाह जहालत से और जुल्म जोर से। खुदा मुझे माफ न करे अगर मैंने खलीफा से बैत शिकनी की हो या हदीसें गढ़ी हो या पैगंबर खुदा की तरफ झूठ की निस्बत दी हो। बंदे खुदा अपने ईमान की वजह से खुदा के करीब होता है, न अपने हसब व नसब से। मैं ना तलहा और जुबैर की हिमायत का मोहताज हूं और ना ही बनी उमैया की दुश्मनी से खौफ ज़दा। न मेरे पास कुछ है जिसके छिन जाने से डरता हूं और न तुमसे कुछ हासिल करने की तमा रखता हूं। वो मरने वाला जिसने खाक को अपना बिस्तर करार दिया और हमेशा नबी अकरम की रिकाब में रहा और दीन के दुश्मनों पर हमला आवर हुआ, बारे इलाहा सिराते मुस्तकीम पर उसके कदमों को सिबात अता कर। आमीन या रब्बल आलमीन। वो जो कफन पोश हुआ और जिसकी जीनत उसके बदन के जख्म थे, जिसे दुश्मनों ने बारहा जख्मी किया, खुदाया तू उसे अपनी जन्नत के हुलालो पोशाक पहना। आमीन या रब्बल आलमीन। जिसकी कब्र उसका मस्कन हुआ, कीड़े मकोड़े उसके हमसाए, जो दुश्मनों से बेरब्त और मसाकीनों से मोहब्बत करने वाला था, बारे इलाहा उसे अपनी मलकूत में जगह इनायत का। आमीन या रब्बल आलमीन। काबल अहबार, खुदा की कसम ये मुर्दा कयामत में तमन्ना करेगा कि काश ये अम्वाल दुनिया ही में बिच्छू बनकर मुझे डसते रहते। अबू जर, मरने वाला बेचारा मजबूर है, उसका तकिया मिट्टी का ढेला और उसकी कब्र जिंदान है, अब उससे दुश्मनी ना करना। जान लो कि वो अब अपनी वारिसों की खैरात बखीरा
और अपनी दुआओं की मोहताज है। एक दिन हम भी दुआओं के मोहताज होंगे। अजब, काश यकीन रखते कि कब्र जिस्म के लिए घर है और तंदुरुस्त जिस्म ज्यादा कीड़े पैदा करता है। काब सजा और जजा अपने किरदार से, न कि वारिस की खैरात या दोस्त की दुआ से। बस तुम अपने किरदार का ख्याल रखो, उस मुर्दे के वारिस को उसके लिए खैरात करने दो। काब बताओ मुझे, क्या किरदार में वाजिबात नहीं है? हक चूंकि तलख है, हम उसको छुपाएं? खलीफा तुम्हें अहकाम दीन से आश्ना मानते हैं, तुम मशहूर आलिम हो और खजावत में अहले नजर भी। जिसने जखीरा अंदोजी की है और इन्फाक भी नहीं किया, क्या वो माफ कर दिया जाएगा? जिसने अपने माल की जकात अदा कर दी, अब वो अपना मकान चांदी की ईंटों से बनाया सोने की ईंटों से, उसके जिम्मे तो कुछ भी नहीं रहता। लेकिन वो लोग जो हलाल जमा करें, हलाल खर्च करें, हलाल बाकी छोड़ें, उनके लिए दुनिया व आखिरत दोनों है। कब तुम दीने मोहम्मद की तबलीग करते हो या अपने गुमराह को नफकार की? मोहम्मद का हुक्म बताओ कि बखील का माल जब तक राहे खुदा में खर्च न हो, वो साहिब माल के लिए आग है। तुम बखील हो तो साहिब माल क्या करे? जब तक खलीफा के गिर्द तुम जैसों का हिसार है, वो अबू बकर और उमर की तरह हुकूमत नहीं कर सकते। अबू जर कहां? मरवान, शहर बदर करने की सजा से कम पर राजी ना होना रबजा के लिए। रबजा याद रहेगा ना? रबजा। मेरे मौला अली, आपके गमों की आग जमीन के उबलते हुए पानी को भी खुश्क कर देगी। मैं हूं मौला अबू जर, आपके साथ मेरी जिंदगी को भी इनकी जहालतों ने सर्द कर दिया है। मुझे फिर से शहर बदर करना चाहते हैं। अली, हुक्म खलीफा को नहीं सुना आपने? खलीफा का हुक्म है कि अबू जर को कोई रुख्सत करने ना जाए। अली का रुख्सत करने के लिए आना अबू जर की सात पुश्तों के लिए काफी है।
इमाम अलैहिस्सलाम ने मरवान बिन हकम का मुकाबला करके अबू जर को रुखसत किया और फरमाया, अबू जर, तुम्हारा गुस्सा अल्लाह के लिए है, लिहाजा तुम उसी से उम्मीद रखो। ये कौम अपनी दुनिया के बारे में खौफ ज़दा है और तुम्हें दीन की तबाही का खौफ है। अबू जर, हकीकत से मानूस रहो और बातिल के अलावा किसी और से मत घबराओ। अबू जर, ये जान लो कि अल्लाह है जो तंगियों में अपनी रहमत से राहों को खोल देता है। उम्मेजर, शायद अबू जर है। जिन हो या इंस, मैं जर हूं। तुम खुद हो। मुझे वहम हो गया है, क्या मैं यकीन कर लूं? यकीन करो, मैं भी तन्हा हो गई थी, अब हम जुदा नहीं होंगे। तुम तो शाम में थी। वहीं थी जब माविया को पता चला कि तुम शहर बदर हो गए, मुझे यहां भेज दिया कि मुनस रहूं। फिर तो माविया ने भी सवाब का काम कर दिया। उम्मे जर, खुशामदीद। खुदा तुम्हें खुश रखे अबू जर। खुदा तुम्हें सुकून अता करे। जाओ अमर्द अबू जर, आप हैं? तुम कैसी हो मेरी जान, तुम्हारी भी याद सताती रही। अब मैं आपको नहीं जाने दूंगी, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। अच्छा उमेजर,
हम लोग चलते हैं। थोड़ा आराम तो कर लो, वक्त कम है और रास्ता तवील है। अगर कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। तू हमेशा अमानतदार हो और सफर में बुर्दबार, हमने तुम्हें जहमत दी है। अगर कोई कर्ज हो तो हमारी गर्दन पर, खुदा तुम्हें इसका अज्र देगा। बरादर, हमारे दस्तरखान पे जो की रोटी होती है, अगर आपके मुकद्दर में हो तो रात हमारे साथ गुजार लेना। ममनून अबू जर, हमें कबूल है, हमारे बस में नहीं है। इल्तिमास से दुआ, खुदा हाफिज। चलो भाई चलते हैं। चलो सुनो अबू सर, हमारे पास नाने जो के अलावा एक ऊंट, दो बकरियां और एक सियाह चादर है। हमारा खुदा है और ये एक बेटी है। अपनी बेटी के लिए खुरमे का दरख्त लगाएंगे और अल्लाह के लिए घर बनाएंगे। उम्मे ज़र, शायद रबजा हमारी आखिरी मंजिल है। अबू सर, मुझे भी इस पर यकीन है। रुको उम्मे ज़र, कहाँ? रुको उम्मे ज़र, उम्मे ज़र, रुको उम्मे ज़र, कहाँ? बेसब्री ना करो, बेसब्री ना करो उम्मे ज़र। वहम है उम्मे ज़र, वहम है। हज के मनासिक खत्म हो गए,
काफिले सब वापस हो गए। हर तरफ से मौत के तीर चल रहे हैं, खाना खत्म हो चुका है, सहरा की खुश्की से बकरियां मर गईं, ऊंट बयाबान में निकल गया है। हमारी बेटी अबुसर, अबुसर हमारी बेटी। अगर हम जिंदा रहने के लिए जिद्दोजहद न करेंगे तो गुनाहगार होंगे। कहाँ? खलीफा के पास जा रहा हूँ मैं सर। चल जल्दी वापस आना, कामयाबी के साथ आना। बड़ी देर लगा दी अबुसर। देर मत, इसे पैगंबर की जुर्रियत के साथ मशहूर फरमा। इन दानों से हम अपना पेट भर सकते हैं। ऊंट की खिसा, उठो अबुजर, मौत का मुकाबला करते हैं।
मैं क्यों ना हंसूं? जबकि मौत के खौफ ने मुझे इस कदर हरीस बना दिया है। ये तुम क्यों कोशिश कर रही हो? हम दुनिया में जीने के लिए आए हैं। हम खाक में मिलकर सर बुलंद होंगे। बूढ़े का मौत से डरना एक बच्चे के रोने की मिसाल है। अगर बच्चे को मालूम हो जाए कि वो कहाँ जा रहा है तो वो भी हंसेगा। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله غربت و بے کسی کے عالم میں جناب ابو ذر کی موت سے خلیفہ بھی لرز گئے۔ بنی امیہ کے ظلم و جور کے سبب عراق اور مصر کے حالات بگڑتے گئے۔ لوگ فریادیں لے لے کر خلیفہ کے بند دروازے کی چوکھٹ پر آنے لگے۔ جب لوگوں کا بنی امیہ کے خلاف اصرار بڑھتا چلا گیا تو آخرکار خلیفہ نے شکایتوں کی رسیدگی کے لیے اپنے والیوں کو مرکز میں بلا لیا تاکہ پریشانیوں کو برطرف کیا جائے۔ تم لوگ مصر سے عمرے کی نیت سے آئے ہو تاکہ کعبے کو پش دکھاؤ، ہاں؟ اگر خطوط لائے ہو تو پڑھ کر سناؤ، ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ تم نے ہمارے خطوط پڑھے بغیر ہی جلا ڈالے۔ ہم لوگ محنت کش کسان ہیں، جو بھی زمین میں بوتے ہیں حسرت سے کاٹتے ہیں۔ ہماری عورتوں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ دریائے نیل کے کنارے والی وہ ہماری زرخیز زمینیں جو تم نے غصب کر لی ہیں، اب نیل کی پتھریلی زمین پر ہم اپنی ناک رگا رہے ہیں۔ تم نے کیوں ترک وطن کر دیا مالک؟ کیا کوفے سے بیزار ہو؟ نہیں، امیر کوفہ سے بیزار ہوں۔ کوفے کا کام تمام ہو چکا ہے زبیر۔ بصرہ کیا ہوا؟ بصرہ اور کوفہ ہمسایہ ہیں، اگر کوفے میں زلزلہ آئے تو بصرہ بھی لرز اٹھے گا۔ کب تک اپنے دیار سے دور رہو گے مالک؟ ٹھہر کر دیکھتا ہوں کہ خلیفہ عمرہ سے مشورے کے بعد کیا کرتے ہیں۔ ان دھوکوں میں مت آنا، ظلم بھی انہی لوگوں نے کیا ہے جو خلیفہ کے ساتھ مشورے کر رہے ہیں۔ جلدی کرو مالک، اس امنیاز پر کوفے کا دروازہ بند کر دو۔ میرے پاس ایسے تیز رفتار رہوار ہیں کہ ہوا ان کی گرد بھی نہ پا سکے۔ کوفہ حاکم کے بغیر ہے مالک، کیوں ڈل مل کر رہے ہو؟ سفر کا خرچ بھی میرے ذمہ ہے، جو بھی چاہیے بتا دو، کوئی مشکل نہیں۔ سنو کیا لکھا ہے۔ اگر خلیفہ آل امیہ کو مسلمانوں پر حکمرانی سے نہ ہٹا، تم لوگ بھی سنو۔ اگر خلیفہ آل امیہ کو مسلمانوں پر حکمرانی سے نہ ہٹائے اور اعتدال کی راہ اختیار نہ کرے، یعنی خلیفہ عادل نہیں ہے۔
اور راہ اعتدال اختیار نہ کرے اور شیخین کی سیرت پر عمل نہ کرے تو ایسی صورت میں مہاجر و انصار خلیفہ سے اپنی بیعت کو باطل شمار کریں گے۔ یہ ہماری معزولی چاہتے ہیں۔ طلحہ اور زبیر ہاتھ پیر مار رہے ہیں راہ کی حکومت کے لیے، سعد ابن ابی وقاص کوفے کا معزول امیر اور عمرو بن عاص مصر کا معزول امیر، یہ دونوں ابھی تک اپنی کھوئی ہوئی ریاستوں کے غم میں آزاد آ رہے ہیں۔ تم عمار، تم کس ریاست کا سودا اپنے سر میں رکھے ہو؟ کیا تمہاری مہر بھی اس نوشتے پر ہے؟ میری کمر تو اپنے گھر کی ریاست میں خم ہو گئی، میری مہر جو تم دیکھ رہے ہو اس حق کے خاطر ہے جو برباد ہو گیا۔ یہ خرافات نہیں، اس صدا کو خدا نے خلیفہ کے دوش پر ڈالا ہے۔ سعد جیسوں کی رائے نے خلیفہ کو خلیفہ بنایا، اگر سعد کی مہر کوئی حیثیت نہیں رکھتی تو خلیفہ اس ردا کا مالک کیسے بنا جو پہنے ہوئے ہے؟ اس تحریر میں اگر علی کی مہر ہوتی تو میں کم سے کم اس جرم کو قبول کرتا اور استعفی دے دیتا۔ کم سے کم تم علی کی خاموشی کی حکمت جانتے ہو۔ بس اتنا جانتا ہوں کہ علی کنویں کھودنے میں بہت ماہر ہیں۔ یہ بھی سنا ہے کہ زمین کی تہوں میں پانی کی آوازیں قل قل بھی سن لیتے ہیں۔ سکوت علی ناخوندہ حدیثوں کا خزانہ ہے، کاش آل امیہ کے کان انہیں سننے کی صلاحیت رکھتے۔ ٹھہر جاؤ عمار، تم علی کے فدائی ہو، میں تم سے ایک دلچسپ قصاص کا طالب ہوں۔ یاد ہے تمہیں ابو ذر کو رخصت کرتے وقت تم نے علی کے شانہ بشانہ ہو کر خلیفہ کی نافرمانی کی اور مجھ بیوقوف پر ہنسے؟ احمق ہوں اگر میں دنیا کے نقد کو اور وہ بھی آخرت کے ادھار کے بدلے چھوڑ دوں۔ تم مہاجر اور انصار کے معتمدین کے درمیان صادق شمار کیے جاتے تھے، مہر تائی تم نے اس سیاہ تحریر پر لگائی ہے کہ جو خلیفہ کو عادل نہیں جانتی اور ہماری معزولی چاہتی ہے۔ زحمت اٹھائی عمار، ہم تک پیغام پہنچایا، اب اس کی جزا بھی لے لو۔ تہذیب قوم کا ہم تماشا بن گئے ہیں عمار۔ مجھے چھوڑو مالک، میری عادت خراب نہ کرو۔ ہمیشہ کسی مالک کا ہاتھ تو میرا سہارا نہیں بنے گا۔ کسی زمانے میں میں ابو جہل کا غلام تھا اور مرید محمد۔ ابو جہل کا تازیانہ، عمار کا سیاہ جسم اور وہ گرم پتھر، کبھی محمد سے عقیدت کے جرم میں تو کبھی علی سے الفت کی سزا میں۔ دیکھ رہے ہو مالک، میرا دل اور زبان ان کی محبت کے لیے کافی اور میرا جسم ہمیشہ کے لیے غلام ابو جہل رہے۔ ہم اپنا وقت تلف کر رہے ہیں عمار۔ وقت تلف کر رہے، اس قوم کی ریاست طلبی کا علاج خون ہے نہ نصیحت۔ تلوار اٹھانا ہوگا، تلوار اٹھانا ہوگا عمار۔
आले उमैया का वहशी ऊंट जिस तलवार की वार के राम नहीं होगा। मैं चला। मालिक, अली से गाफिल न होना। हम लोग बेगैरत हैं अम्मार। अली बरसों से अपनी खामोशी के जरिए हमारी वफाओं के मुंतजर हैं। चलें कूफे की जानिब। यादों के घर में तुम्हें खुशामदीद कहती हूँ आमिर। ये घर आज भी खौफनाक है। अबू सुफियान की हैबत ने इसे खौफजदा बना दिया, वरना घर तो घर है। इसी घर में कभी हिंदा जैसी शेरनी रहा करती थी। ख्याल रखो तागत, खबरदार इन्हें गुस्सा न दिलाना। ख्याल रखती हूँ। इस वीराने को छोड़ दो बाबा, आपके लिए ऐसा महल बनवाऊंगा जो मोहम्मद की जन्नत से भी बेहतर हो। तुम्हारी जन्नत तुम्हें मुबारक। मैं ऐसा घर चाहता हूं जिसमें खुद हुकूमत करूं। हिजाज में अमन नहीं है। खलीफा के पास न फौज है न लब्बैक कहने वाले। मिस्र और कूफा में फसाद फैल चुका है। ऐसा न हो कि एक जमात अपनी जान पर खेल के गुस्से में तलवार खींच कर खलीफा पर हमलावर न हो जाए। ये सारी मुसीबतें उस मरवान का बिछाया हुआ जाल है जो सालों की जिलावतनी के बाद जुस्कीने के कुछ नहीं जानता। खलीफा ने अपने ऊपर जुल्म और मरवान पर लुत्फ किया है। वो खलीफा पर मुसल्लत हो चुका है। ये मैंने खुद देखा है कि खलीफा खुद मरवान है न उस्मान। इस मारिके में तुम्हारी क्या हैसियत है? मैं क्या करूं, मेरी हुकूमत मुतजलजल न हो जाए। खलीफा से इल्तमास की कि शाम आ जाए, कबूल नहीं किया। कहते हैं सिपाही मदीना रवाना करूं। तो तुमने क्या सोचा? अभी तो कुछ नहीं सोचा। क्या कहा जाएगा? ये क्या खा रहे हो? ऊंट के गुर्दे। कहीं गले में फंस न जाए। तुम जवान नहीं हो। कोई ऐसी चीज खाओ जो तुम्हारे मिजाज के लिए मुनासिब हो। कनीज फरमा बरदार है। सरफिरी है, जवान भी है, या मेहंदी रचाया करती है, या जुल्फें सवारती है, आईने बहुत तोड़ती है। तुम्हें एक उम्र रसीदा कनीज चाहिए जो पाबंद रहे। इसको मैं ले जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरी खरीदूंगा। जाओ बेटा, ये दो हर एक अपने अकलीम का बादशाह है। तुम अपनी अपने पास रखो, मेरी मेरे पास रहने दो।
बेटा बाप से नहीं चुराता। हाँ, अगर हिंदा का बेटा ना हो। बाप की मीरास तो बेटे को मिल ही जाएगी, उस शर्त पर कि अबू सुफियान मर जाए। नहीं बाबा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि कोई तुम्हारी खातिर करे। मुझे उसके साथ रहने की आदत हो चुकी है। काश के मेरे साथ शाम आ जाते। शाम मेरे लिए साजगार नहीं है। मुझे सरजमीन हिजाज चाहिए। मुझे शाम ले जाओगे तो मेरी रूह को क्या करोगे? चाहते हो शाम में नाबूद हो जाऊं? हिजाज पहले से ज्यादा नाअमन हो चुका। मैंने आज से भी ज्यादा नाअमन जमाना देखा है, जब मोहम्मद ने काबे की सरदारी हमसे छीन ली और हमारे ही घर में हम पर हुक्म चलाया था। भूल गए? मैं उस दिन जान बचा कर न भागा तो आज किस तरह घर छोड़ दूं? उन दिनों शाम नहीं था, हिजाज में मोहम्मद थे, सब उनकी बात मानते थे, लोगों में एक दिली थी। डरो हिजाज से। आज हिजाज की तमाम जमीनों में आले उमैया की नफरत का बीज बो दिया गया है। जिधर देखो खून खून खून। खून से क्या उगता है जुज लटकती हुई तलवारें? अपनी जान बचाओ और शाम आ जाओ। मैंने शाम में ऐसी हुकूमत बनाई है जो खैसर और कसरा से ज्यादा है बदनाक है। मोहम्मद की हुकूमत से ज्यादा महबूब और सुलेमान नबी से ज्यादा कवीतर। अगर तुम ये ना करते तो अबू सुफियान के बेटे ना होते। अब जाओ, खलीफा को फौज रवाना करो जो तुमसे मांगी है। मैं अपनी फौज को सरजमीन हिजाज पर कुर्बान नहीं करूंगा। अगर मरवान एक लायक खलीफा है तो अपने मसाइल खुद हल करे। हुकूमत अगर इसी तरह दूसरों के बोझ को कांधा देने लग जाए तो हम हार जाएंगे। अगर खलीफा की मौत के बाद तुम्हें हिजाज वालों की बयत चाहिए तो बेतरफ रहना। खलीफा मजलूम की हिमायत में लश्कर रवाना करो, लेकिन जंग न करना। जानता था कि ये गधे का बच्चा खलीफा के कत्ल का सबब बनेगा। कबीले की हुरमत जाए जहन्नम, ये बेगैरत नमक की भी हुरमत नहीं जानता। अफसोस, ये फूल जैसी मरियम दरिंदा सिफत के पल्ले पड़ी है। इनसे कहो रास्ता खोल दे। रास्ता खुला है सईद, मगर सिर्फ काफिलों के लिए। हमने अपने घर के दरवाजे बनी उमैया पर बंद कर दिए हैं। कूफे वाले अबू मूसा अशअरी को अपना रहबर समझते हैं। जाओ खलीफा तक उनका पैगाम पहुंचा दो। खलीफा ने हमारे साथ मशवरा किया, ऐसी गलतियां देखी जिन्हें हल करना चाहते हैं। जब हाथ से गिरा खुल सकती है तो फिर दांत से क्यों खोले? हम खलीफा से वही चाहते हैं जो महाजिर अंसार के रुअसा ने लिखा है। यह जान लो कि खलीफा पर पहली तलवार तुम उठाओगे मालिक, और जंगे बरादर कुशी का पहला खून जो जमीन पर गिरेगा ता कयामत खुश नहीं होगा। पहला खून? हाँ, तुम उम्मत मोहम्मद के गले में अबदी लानत का तौक पहनाओगे। पहला खून दीनार का खून था जो कूफे में बहा। मदीने में पसली की हड्डियां तोड़ी गई। सहराए रबजा में एक ऐसे मर्द की कब्र बनी कि जब तक दुनिया कायम है उसकी फरियाद दिलों को बरमाती रहेगी। जाओ सईद, फिर कभी कूफा आने का इरादा न करना।
کوفے والوں نے اپنے آپ کو مسلح کر لیا ہے، سبھی تیر انداز شمشیر زن اور نیزے چلانے والے ہیں۔ جو کام مردوں کے بس میں نہیں ہوگا اسے کوفے کی عورتیں پتھروں سے انجام دیں گی، اور جب پتھر نہیں ہو تو اپنے بچوں کو پتھر کے بجائے جھولیوں میں بھر کے دشمن کی طرف پھینکیں گی۔ دیکھ رہے ہو سعید، جاؤ مروانیوں سے کہہ دو اگر جنگ کا ارادہ ہے تو شام سے کم لشکر کوفیوں کے مقابلے میں نہ بھیجے۔ میں کوفے کو نہیں چھوڑ سکتا مالک، چاہے مجھے قتل کر دو یا معاف کر دو۔ کوفے والے اپنے خطاکار فرزند کو معاف کر دیں گے۔ اٹھو وردان، تم اپنے گھر کے قیدی ہو۔ امو جان، کوفے کو تباہ نہ کریں، کوفہ شری کے حوالے کیا تو سارا عراق ہاتھ سے نکل جائے گا۔ مروان، تمہیں میری اطاعت پر رہنا ہوگا۔ امو جان، امو جان، تاغید، مالک اشتر کے قیام کے بعد محمد ابن ابی حذیفہ اور محمد ابن ابی بکر نے مصر میں قیام کیا۔ یہ دو محمد دو خلیفہ کے بیٹے تھے، ایک خلیفہ سوم عثمان کا مغولا بیٹا اور ایک پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق کا بیٹا۔ یہ دونوں پریشانیوں کا اصلی سبب مروان ہی کو سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے عزم کیا کہ ظلم و جور کے چشمے کو خشک کر دیں۔ عثمان کے مغولے بیٹے محمد ابن ابی حذیفہ کے مصر میں قیام کے بعد ام المومنین عائشہ کے بھائی کی سالاری میں کچھ مصریوں نے مدینے کا رخ کیا۔ عائشہ بھی مروانیوں سے ناخوش تھیں اور جانتی تھیں کہ مدینے میں رہیں تو میدان منازعہ گرم رہے گا، لہٰذا ہوشیاری کرتے ہوئے عمرے کے بہانے مکے کا رخ کیا۔
उधर तलहा व ज़ुबैर जैसे कुछ महाजर अंसार इनकलाबियों के साथ मुलहक हो गए और कुछ साद इबन अबी वक़ास की तरह गैर जानबदार रहे, और मरवान अपनी खाम ख्याली में लश्कर शाम का इंतज़ार करता रहा कि शायद माविया की मदद आ पहुँचे। कासिद पर कासिद शाम रवाना किए गए, लेकिन ना कासिदों की खबर आती और ना ही लश्कर शाम की। खलीफा बिल्कुल अकेले रह गए। चली जाओ, तुम उनकी जौजा हो नायला, मुझसे ज्यादा तुम उनके नजदीक हो। जाओ मरियम, तुम अपने बाप की चहेती हो, जाओ। नायला, मुझे शर्म आती है, मैं उनकी ऐश कालूद आंखों से शर्म खाती हूँ। डरती हो तुम्हारे शौहर की वजह से ताना दे? मरवान मरवान, काश तू अपनी माँ के पेट में हलाक हो जाता। काश जब तेरी मोहब्बत मेरे दिल में ना थी तो उसी वक्त खत्म हो जाता। लश्कर शाह, क्या ख्वाब है, क्या ख्याल है। जिस शख्स के बारे में चार आदमी बाप होने का दावा करें, वो कुत्ते से बदतर है। जिस वक्त हिंदा ने शर्म के मारे तुझे बयाबान में जन्म दिया, काश दरिंदे तुझे फाड़ खाते। बाप की आंखों में आंखें नहीं मिला सकती। नायला, मुझे बचा लो। तुम्हें आवाज दी है मरियम, तुम जाओ, आंखें नीचे करके चले जाओ। जाओ मरियम। आधे दिन से शुक्र के सजदे में, लगता है मदद के लिए जिन्नात के लश्कर को बुला रहे हैं। पलवाइयों को तो मेरी जान चाहिए, वो सजदे में पड़े क्या कर रहे हैं। हाँ, शायद मेरी मोहब्बत दिल से निकालना चाहते हैं। अम्मू जान। अम्मू जान, तो उस मुझे तानों का निशाना बना है और दुश्मन लानतों का। ये बलवा मेरा खून पिए बगैर खत्म नहीं होगा। मैं अब कफन पहनना चाहता हूं अम्मू जान। आप मेरे खलील बन जाए, मैं आपका इस्माइल। मुझे बलवाइयों के सामने डालकर कुर्बान कर दीजिए। चलो उठो। यूं ही किसी की मोहब्बत किसी के दिल में नहीं आती। तूने अपनी झूठी बातों से मुझे अपना असीर बना लिया है। जाओ अली को खबर कर दो मरवान, ये गुठी बस अली के हाथों सुलझेगी, ना कि तेरी कुर्बानी से। हाँ
अली ईसा के हवारी थे और मोहम्मद के सहाबी, तुम्हारे मुरीद हैं और खलीफा के मुशीर। मैं खुद खलीफा का आशिक और जानेसार हूं, जिस तरह अबू जर तुम्हारा आशिक और दोस्तार था। यूनुस और यूसुफ की क्या गलती थी कि एक को मछली निकल गई और दूसरे को कुएं ने ले लिया। हमारी वो खुश नसीब आशिक कौम थी जो खुद तो रह गई लेकिन अपनी आरजू को बालाए सलीब देखा। अली बलवाई अगर मेरे खून पर इक्तफा करें तो मैं अपनी गर्दनों की तेगों के हवाले कर दूंगा, मगर इस शर्त के साथ कि तुम मेरे और उनके दरमियान हकम बनो। ये लोग तुम्हारी बात सुनते हैं। अगर ये खलीफा के खून के प्यासे हैं तुम इन्हें मना करो, और अगर मना नहीं करते हो तो गोया तुम उन्हीं में से हो। कहां जा रहे हो अली? कुछ जवाब तो दो, मैं खलीफा मजलूम का कासिद हूं। अगर खलीफा कत्ल हो गए तुम जिम्मेदार हो। अपनी जबान को लगाम दे गुनाहों के पहाड़, तेरा झूठ चूहे की बिल की तरह है जिसमें वो बिल्ली के डर से छुपा है। लगता है मलकुल मौत से मुलाकात हो गई है। अगर तू खलीफा का वफादार साथी होता तो खलीफा हरगिज तन्हा न होता। उठ झूठों के सरदार, बलवाई न तेरा खून चाहते हैं न खलीफा के खून के प्यासे हैं, तेरा अजल चाहते हैं। बस अगर अपने दावे में सच्चा है तो कुर्सी छोड़ दे और खलीफा से किनारा कशी कर। तुम छोड़ोगे अली को? खुदा ही बचाए मरवान, ये शख्स तो अपने पैरों पर भी रहम नहीं करता। अम्मार, हम लोग तो मिस्र से इराक तक जुल्म का खात्मा करने आए हैं, हम अली के सहारे खड़े हुए हैं, लेकिन वो सीधे मुंह बात नहीं करते, चले गए बगैर कुछ कहे हुए। इब्ने उदैस, इस हुकूमत का इलाज तलवार से नहीं हो सकता। अगर अली को मुश्किल कुशा समझते हो तो शहर पैगंबर का मुहासिरा तोड़ दो और अपने शहर वापस चले जाए। अम्मार, क्या जमानत है कि हम लोग जाएं तो खलीफा जुल्म से बाज आ जाए? अम्मार, अली कहां गए? क्यों चेहरे का रंग उड़ गया है मरवान? जान निसार तो सर देते हैं, परेशान क्यों हो? जान निसार तो बेबाक और जमीन पर जाले लोग होते हैं। मेरे जुमले मत दोहराओ, फकत बताओ अली कहां है। खलीफा ने अली से फैसला चाहा है तो वो मुजरिमों के हाथ काटने गए। आखिर क्या इरादा है उनका? मैं इतना जानता हूं कि अली जैसा सकी ढूंढे नहीं मिलेगा। अता और बख्शिश में वो अब्र रहमत हैं और अल्लाह का हुक्म जारी करने में वो आतिश गजब है। अरब आतिश गजब पहचानता है, वो रहम क्या जाने। आले उमैया ने अभी तक अली का गजब देखा है लेकिन अता बख्शिश हरगिज नहीं। ए इब्न उदैस, जो आग तुमने मिस्र में लगाई है उसे दरिया नील भी नहीं बुझा सकता। अगर मजलूमों ने यह आग लगाई है तो कोई हर्ज नहीं। क्यों तड़प रहे हो अम्मार? मरवान की लात का असर है, दर्द की शिद्दत से जान निकल जाती है।
आश मार हारिस जाने ना देश छोड़ना नहीं मार शाबाश वाह बेटा वाह मार हारिस अच्छा किया मार हारिस मार चल हमला कर मार हिम्मत करके हमला कर हिम्मत से मार हमला कर हरगुज हमला कर मार हरीश मार हमला कर मरहबा बेटा रोटी जो तुमने खाई है हलाल हो तुमने जो रोटी खाई है वो हराम हो हराम अपनी पेशानी से रुमाल खोल दो तुम्हारी कुन्यत अबा खुताम है ना अबा हारिस कूफे की माए खुताम जैसी बहादुर बेटी जन्म न दे सकी अगर कूफे की बेटियां अपने रफ्तार और गुफ्तार और हुस्न में अंगूठी हों तो तुम्हारी खुताम उस अंगूठी का कीमती नगीना है इजाजत दो कि इन बहादुर फरजंदा ने कूफा की तलवारें अब मेरे इख्तियार में हों। अलगौज आओ बेटा अम्मू का हाथ चूमो आओ आओ तल्हा बसरे की आंख है और जुबैर कूफे के कान हैं मिस्री अगरचे अंधे और बहरे हैं लेकिन जबान दराज हैं क्यों जबान दराजी न करें जबकि उनका रहबर अबू बकर सिद्दीक का बेटा है जो उम्मुल मोमिनीन आयशा का भाई है और अली का मुंह बोला बेटा मिस्रियों के चार आंख और कान हैं मिस्र ने उनके पास उस्मान का मुंह बोला बेटा है और मदीने में अम्र आस अली अब खजावत खुद करेंगे खलीफा मिंबर पर जाकर तौबा और अस्तगफार पढ़ेंगे अब तुम्हारे पास रुकने का कोई बहाना नहीं है لبیک یا ابتا لبیک یا علی لبیک لبیک रुक जाओ इब्ने अबू बकर
हमरे आज से मशवरा लेना ना भूलो मोहम्मद। तुम्हारे मशवरे की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। अली मुझ पे हक़ पेदरी रखते हैं, नाकलफ हूँ अगर मैंने उनकी इताअत ना की। हम इसलिए नहीं आए थे कि सिर्फ खुद बे तौबा सुन के चले जाएं। अगर मरवान हुकूमत में रहेगा तो याद रखना कि वो जरूर तौबा शिकनी करेगा। क्या जमानत है, हमारे जाने के बाद खलीफा मरवान को ना निकालें तो क्या करेंगे? क्या जमानत है अली से बढ़ के? मोहम्मद, मरवान जैसे सांप को अधमरा मत छोड़ो। शाम की खबर सुनी है? नहीं। लश्कर शाम हिजाज के जानिब पड़ रहा। तुम्हें कैसे मालूम? तुम अब रियाज के जिस्म को देख रहे हो, उसकी रूह तो शामात में है। कासिदे शाम है, मैंने पकड़ा इसे। ये कैसी इबलीस कुछ तौबा है? खलीफा भी वही खलीफा है और लोग भी वही लोग। तौबा का इबलीस मैं हूं। लोग मुझे शर्म दिलाकर मार डालें ये बेहतर है, या खुद मर जाऊं। दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मैं हूं मरियम, दरवाजा खोलो। तुम्हें इस घर की दौलत से मतलब था या मुझसे था मरवान? मुझे बताओ मरवान, आसमान तो टूट नहीं पड़ा, खलीफा ने तौबा कर ली है और तुम्हें हुकूमत से हटाया है, तो क्या हुआ? तुम्हारा खून तो हलाल नहीं हुआ, तुम्हारी बीवी तो तुम्हारी है, तुम अब भी अपने घर के बादशाह हो, हम तो अब भी तुम्हारे हैं। तुम कहा करते थे हिजाज का आसमान कितने सितारों से भरा हुआ है। दरवाजा खोलो और अपनी आंखों से देखो, मैंने तुम्हारे लिए रिदासी है
जो अमीरों की रिदा से भी बेहतर है। मारवान, बहरे हो गए हो। मरना ही है तो घर से बाहर जाके मरो, ताकि मैं तुम्हें कफन देने पे मजबूर ना हूं। अगर किसी को मरना ही है तो वो खलीफा मरे जो तौबा कर रहा है।